तीन दिन पहले जन्म लेने वाले एक नवजात शिशु को माँ का प्यार नसीब नहीं हो रहा है। पहले अपनी कोख से जन्म देने वाली माँ ने फेंक दिया, अब कानून की वजह से दूसरी माँ का प्यार भी छिन गया। तीन दिन तक दूसरी माँ की आंचल में पलने वाला बच्चा आज विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्था पहुँच गया। मामला भोजपुर जिले के गजराजगंज ओपी क्षेत्र के अम्मा मोहम्मदपुर गाँव से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार रविवार को मोहम्मदपुर गांव के एक सूखे कुएं से नवजात मिला था। तब गांव के ही सरल प्रसाद ने बच्चे को कुएं से निकाल अपने घर ले गए थे। उसकी पत्नी शैल देवी बच्चे की देखभाल करने लगी। ऐसे में अपनी मां द्वारा ठुकराए गए बच्चे को नई मां का सहारा तो मिल गया, लेकिन तीन दिन में ही उसे कानून की नज़र लग गई। ग्रामीणों के कहने पर बुधवार को उसने बच्चा गजराजगंज ओपी पुलिस को सौंप दिया। इसके बाद पुलिस बच्चे को इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर पहुंची, फिर बच्चे की विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्था को सौंप दिया गया ताकि बाद में बच्चे का परिवार मिलने या आगे की कानूनी प्रक्रिया अच्छे ढंग से देखभाल हो सके। मोहम्मदपुर गाँव निवासी शैल देवी को तीन दिनों में ही बच्चे से प्यार हो गया था। वह माँ की तरह बच्चों को प्यार दे रही थी। बुधवार को जब बच्चा उनसे अलग होने लगा तो वह बिलख कर रोने लगी। कहाँ पे? कौन गांव में? कैसा स्थिति में बच्चा था? कैसा स्थिति में बच्चा फेंका हुआ था? फेंका हुआ यानी आपके कहने के मुताबिक नया जन्म लिया हुआ बच्चा फेंका हुआ था, यानी जन्म के बाद तुरंत फेंक दिया था किसी ने? तब देखे तो अपने क्या कब मिला था ये? 11 बजे। ठीक है, आपका नाम क्या हुआ? 4 दिन का बच्चा मिला। कहाँ, किस गांव से? कोई गांव का ग्रामीण लेकर हमारे थाने पर आए और बोले कि ये कुआं मिला, बच्चा मिला था, उसको कुआं से पानी उसमें नहीं थी, तो हमने किया था लेकर सदर बाल कल्याण समिति को। बाल कल्याण बच्चा का स्वास्थ्य ठीक ठाक है? बच्चा का स्वास्थ्य ठीक है।